नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो मैच होने वाला है आईपीएल का 49वां मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी आज होने वाली है, तो इसके लिए हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए मैं आपके लिए टीम लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको टीम के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हम टीम लाए हैं और इसमें किस किस प्लेयर को आपको रखना है और क्यों रखना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने जो रखा हुआ है वो ईशान किशन और डेवन कॉनवे दोनों को रखा हुआ है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ईशान किशन को मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये पिछले काफी मैचों से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं कंसिस्टेंसली, तो मैंने ईशान किशन को अपनी टीम में रखा है। बाकी डेवन कॉनवे के जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पर काफी अच्छे रिकॉर्ड है, लेकिन मुंबई इंडियंस के सामने बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। दो मैच खेले हैं, दोनों बार जीरो पर आउट हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पिछली बार जो आउट हुए वो तो गलत तरीके से आउट हुए थे। तो मैंने डेवन कॉनवे को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पर जब जब मौका मिला है तब तब रन बनाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके बैटर्स की, तो बैटर्स में मैंने सूर्यकुमार यादव को लिया हुआ है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि सूर्यकुमार यादव इस ग्राउंड पर इनका जो एवरेज है लगभग 42 से 43 का है। ठीक है, और दूसरी चीज सीएसके के सामने जो इनका एवरेज है वो 35 के समथिंग इनका एवरेज चलता है। और दूसरी चीज इनका फॉर्म भी वापस आ चुका है, पिछले मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेलकर मैच जिताया था, तो मैंने सूर्यकुमार यादव को अपनी टीम में रखा हुआ है। शिवम दुबे मेरी टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है, शिवम दुबे को मैंने किस लिए रखा है क्योंकि शिवम दुबे मुंबई इंडियंस के सामने रन बनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ग्राउंड पर भी इनके रिकॉर्ड थोड़े से अच्छे हैं और इन्होंने मतलब रन बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने रन बनाए हैं इसलिए मैंने शिवम दुबे को अपनी टीम में रखा हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ भी मेरी टीम में हो सकते हैं, मतलब होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को भी मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर में मैंने रविंद्र जडेजा, कैमरॉन ग्रीन और मोइन अली तीनों को लिया हुआ है। तीनों को बताता हूँ किस लिए। रविंद्र जडेजा को इसलिए क्योंकि जो पिच है बहुत ही ज्यादा स्पिन फ्रेंडली है, तो रविंद्र जडेजा और मोइन अली से अच्छी स्पिन कोई करा नहीं सकता सीएसके में। दूसरी चीज यह है, जडेजा में फील्डिंग से पॉइंट देंगे, बॉलिंग से पॉइंट देंगे और बैटिंग से पॉइंट देंगे। ठीक है, ये हमें हर जगह पॉइंट दिलाएंगे। बाकी मोइन अली ने पिछली बार 4 विकेट लिए थे, तो मोइन अली के रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं मुंबई इंडियंस के सामने, इसलिए मैंने मोइन अली को लिया हुआ है। कैमरॉन ग्रीन आपके लिए विकेट निकाल के दे सकते हैं, हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है सीएसके के सामने, लेकिन मैंने फिर भी कैमरॉन ग्रीन को अपनी टीम में रखा है। ठीक है, क्योंकि ये रन बना के दे सकते हैं। बाकी मथीसा पथिराना ये हमारी टीम का हिस्सा होंगी। जोफ्रा आर्चर को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है क्योंकि इनको ड्रॉप करना मतलब थोड़ी सी बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो जाएगा, तो जोफ्रा आर्चर को। और दूसरी चीज ये है कि जो सीएसके के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कराता है या फिर करा सकता है वो मुंबई इंडियंस में एक ही बॉलर है, वो है पीयूष चावला। पिच स्पिन फ्रेंडली है, बाकी जितने भी मैच खेले हैं पीयूष चावला ने सीएसके के खिलाफ मतलब बहुत ज्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, मतलब ये विकेट लेते हैं, तो इसलिए मैंने सीएसके के खिलाफ इनको पीयूष चावला को अपनी टीम में रखा हुआ है। पिच भी स्पिन फ्रेंडली है, तो पीयूष चावला मेरी टीम का हिस्सा होंगे। तो ये थी मेरी हेड टू हेड के लिए टीम, स्मॉल लीग के टीम। ठीक है, तो ये गाइस आप अगर इस टीम से खेलोगे हेड टू हेड खेलना मतलब आमने सामने का, और दो तीन बंदों जैसे दो तीन वाले कॉन्टेस्ट खेलना। ठीक है, ये आपके ग्रैंड लीग के लिए नहीं है टीम, ये है आपकी स्मॉल लीग के लिए। बाकी अगर इसमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। मैंने जो कैप्टन रखा हुआ है रविंद्र जडेजा को कैप्टन रखा हुआ है क्योंकि ये बॉलिंग कराएंगे, बॉलिंग से हमें पॉइंट दिला सकते हैं, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से पॉइंट दिलाएंगे। और वाइस कैप्टन मैंने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है डेवन कॉनवे को। कैप्टन वाइस कैप्टन आप चेंज करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन टीम मैंने जो दी है आप एज इट इज रख सकते हो। मथीसा पथिराना की जगह अगर आप किसी और को लेना चाहो तो आप देशपांडे को ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मथीसा पथिराना को लिया हुआ है। चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।